श्रीराम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम UBS विषय क्लास 3 लेसन नंबर 6 जिसका नाम है देखो जंगल अजब निराला के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो बहुत ही अच्छा पार्ट है बच्चों, ध्यान से पढ़ना। इसमें हम जंगल में कौन कौन रहता है उन सभी के बारे में, जंगल के बारे में, वो क्या खाते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सब बातों का अपन अध्ययन करेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करें। देखो ध्यान से पढ़ना। देखो जंगल अजब निराला, पर्यावरण का यह रखवाला। देखिए जंगल बहुत ही निराला है, निराला मतलब बहुत ही अजीब है। पर्यावरण का यह रखवाला, पर्यावरण हमारी जो पर्यावरण है उसका क्या है, यह रखवाला है मतलब ध्यान देने वाला है। हाथी चीता शेर वगैरह, काग कपोत बटेर कपेरा, मतलब जंगल में कौन कौन है, हाथी है, चीता है, शेर है, वगैरह है, काग यानी कौवा है, कपोत यानी कबूतर है, बटेर मतलब बटेर का फेरा, मतलब चारों तरफ बटेर कौवा कपोत ये सब क्या करते रहते हैं, फेरी मारते रहते हैं जंगल में। अलग अलग है इनकी बोली और सबकी बोली क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। न्यारी न्यारी है इनकी टोली, मतलब कौवा कौवों के साथ रहता है, कपोत कपोत के साथ रहता है, शेर शेर के साथ रहता है, हाथियों की अलग टोली है, ऐसे ठीक है। भालू सियार हरिण व घोड़ा, चिड़िया मैना शुक्र कठफोड़ा। भालू सियार हरिण हिरण व घोड़ा और घोड़ा, चिड़िया और मैना शुक और कठफोड़ा, अलग अलग है इनके रंग, इन सबके रंग क्या है, अलग अलग है। अजब अनूठे इनके ढंग और इनके तौर तरीके भी अलग अलग हैं। अब देखिए सांप छछुंदर मगर छिपकली, सांप यानी सांप होता है, छछुंदर मगर है, मगरमच्छ, छिपकली यानी छिपकली, मच्छर चींटी मक्खी तितली, और कौन कौन, मच्छर चींटी मक्खी और तितली, अलग अलग है इनकी चाल, इनकी सबकी चाल क्या है, अलग अलग है। सांप रेंगता है, छछुंदर उड़ता है, मगर धीरे धीरे चलता है, छिपकली चिपकती रहती है ऐसे, और मच्छर उड़ता है ऐसे, है ना, सबकी चाल क्या है, अलग अलग। जंगल में करते कमाल धमाल, और जंगल में क्या करते रहते हैं, मौज मस्ती कमाल धमाल करते रहते हैं। देखो जंगल अजब निराला, पर्यावरण का यह रखवाला। हमारा जो जंगल है बहुत ही निराला है और पर्यावरण का क्या है, रखवाला। देखिए इसमें चित्र भी दे रखे हैं, ये हाथी का चित्र है, ये शेर का चित्र है और ये हिरण का चित्र है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, जानिए शुभ यानी होता है तोता, काग यानी होता है कौवा, कपोत यानी होता है कबूतर, ठीक है बच्चों, जान गए ना ये बातें। अब आगे चलते हैं, सोचिए और लिखिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको पढ़ के दे बताना है। इस कविता में कौन कौन से जीव जंतु आए हैं, इनके नाम लिखिए, ठीक है बच्चों, ये आपको होमवर्क है। अब देखिए ये तीन चार पॉइंट और है जिनमें क्या है, आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उनको आपको करना है आपकी नोटबुक में। देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ, हाथी चीता शेर एवं वगैरह, इनमें से आकार के आधार पर कौन अलग है, ये आपको बताना है, बता दोगे ना बच्चों। अब आगे चलें, भालू सियार हिरण व घोड़ा, इनमें से कौन पालतू है, ये भी आप बता दोगे। चिड़िया मैना सुख कठफोड़वा में से कौन घोंसला नहीं बनाते हैं, ये भी आपको बताना है। सांप छछुंदर मगरमच्छ एवं छिपकली, इनमें से कौन रेंगने वाला नहीं है। अब देखिए सांप रेंगता है, मगरमच्छ भी रेंग कर ही चलता है, छिपकली भी चिपक के रेंग कर चलते है, लेकिन छछुंदर नहीं चलता, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, मच्छर कन खजूरा मक्खी एवं तितली, इनमें से कीट पतंगों के आधार पर कौन अलग है। मच्छर कन खजूरा मक्खी एवं तितली ये सभी क्या उड़ने वाले हैं, अब इनमें से अलग कौन सा ये बताना है। जानवरों का संसार बहुत बड़ा है, इनमें कई विशाल तो कई छोटे जानवर हैं, जो जल थल व नव में पाए जाते हैं, जल मतलब जल, थल यानी स्थल और नव यानी आकाश में पाए जाते हैं। प्रत्येक के रूप रंग व आकार क्या है, अलग अलग होते हैं, ठीक है बच्चों। तीन तीन जीव जंतुओं के नाम लिखिए जो रात में देख सकते हैं। अब आपको ये सब क्वेश्चंस करने, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स
ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों, इनको पढ़ना और इनको करना और इस सारणी को भरना, ठीक है। आगे चलते हैं, जीव जंतुओं का भोजन। वे जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में काम में लेते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। अब शाकाहारी की डेफिनेशन आ गई ना, कि वे जंतु जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी। आपने बिल्ली को चूहे या पक्षियों का शिकार करते हुए देखा होगा, वह इनका मांस खाती है। जंगली जंतु जैसे शेर, चीता, गीदड़ आदि शाकाहारी हिरण, खरगोश आदि का शिकार करते हैं, वे इन्हें मारकर इनका मांस खाते हैं। मांस खाने वाले जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री के साथ साथ मांस भी खाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी, जैसे कौवा, भालू आदि, ठीक है। आगे चलते हैं, पता कीजिए और लिखिए नीचे दी गई तालिका में किन्हीं पांच जीव जंतुओं के नाम व उनके द्वारा किए जाने वाले भोजन के बारे में लिखिए, ठीक है। ये लिख दोगे ना आप, ये आपको होमवर्क है, सोचिए और लिखिए। ये वापस से और होमवर्क आ गया, जमीन पर पाए जाने वाले जानवर के नाम बताने हैं आपको, पानी में पाए जाने वाले जानवर के नाम बताने हैं, जमीन और पानी दोनों में पाए जाने वाले जानवरों के नाम भी आपको बताने हैं। अब देखिए जलीय आवास, मतलब जो जल में रहते हैं, जहाँ आसपास संपूर्ण रूप से जल हो उसे जलीय आवास कहते हैं। इस आवास में रहने वाले पौधे और जंतु जल में ही अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे मछली और कमल। अब देखिए स्थलीय, स्थलीय आवास, हम जिस आवास में रहते हैं वह स्थलीय आवास है। इस आवास में वायु, प्रकाश इत्यादि पर्याप्त मात्रा में होता है। ये आवास वातावरण के आधार पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जहाँ बर्फ हो वह सर्दी अधिक रहे, ठीक है, जब बर्फ होती है सर्दी अधिक रहती है उसे शीत आवास कहते हैं। इसी तरह जहाँ जल की कमी हो उसे सूखा या शुष्क आवास कहते हैं। इसी प्रकार जहाँ वातावरण में पर्याप्त जल व अनुकूल ताप हो उसे सम आवास कहते हैं, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन आपको याद करनी है, ठीक है, तो पता कीजिए और लिखिए। अब देखिए आवास, अब शेर का आवास बताना है, मछली का बताना है और कबूतर का बताना है। अब देखिए चूहा कहाँ रहता है ये आपको बताना है, ये तितली कहाँ रहती है इसका आवास बताना है, और ये हाथी कहाँ रहता है इसका आवास भी आपको बताना है। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के आवास और भोजन की सूची बनाएं, ये आपको करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने क्या सीखा, ये पढ़ते हैं। पहला पॉइंट सीखा हमने, प्रत्येक जीव जंतु रूप रंग व आकार के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। जो जीव जंतु केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में लेते हैं वे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश आदि। जो जीव जंतु केवल मांस का ही भोजन करते हैं वे मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया आदि। अगला पॉइंट देखें क्या सीखा हमने, जो जीव जंतु पेड़ पौधे एवं मांस दोनों प्रकार का भोजन करते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा, भालू आदि। अब देखिए आगे, जीव जंतु जल, थल व नभ में पाए जाते हैं, ये भी हमने सीखा। आवास के आधार पर जीव जंतु अनुकूलित होते हैं, ठीक है बच्चों। ये सारी बातें हमने सीखी, जंगल से ही हरियाली है, हर घर आंगन खुशहाली है, ये अपना क्या है, मोरल हो गया, ठीक है। जो ये अपना जो पाठ है वो समाप्त होता है। इसमें आपको कोई समस्या आई हो पढ़ने में या फिर कोई समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।